पहले के जमाने में रजवाड़ा था, राजा महाराजा का जमाना था। राजा महाराजाओं के जमाने में एक ऐसे राजा हुए जिनके काम भूत प्रेत करते थे और उनके कोई भी काम होता था दिन दुगुना रात चौगुना वो काल वृद्धि में होता था। अगर मजदूर कार्य करके जाते थे मान लीजिए 1 फीट तो वो काम 2 फीट हो जाता था, 10 फीट हो जाता था। इतनी तेजी से उस राजा महाराजा का काम होता था और वो काम करने वाला कोई और नहीं भूत और प्रेत होते थे। राजा महाराजाओं के समय के एक भूत प्रेत की ऐसी सच्ची घटना जिसे आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं। नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। आज मैं जो आपको सच्ची घटना बताने वाला हूं ये है राजस्थान के जोधपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है और उसी गांव के आसपास एक राजा रहते थे जिनका नाम था जय सिंह। जय सिंह के राज दरबार में बहुत सारा गांव था और उसी गांव में एक ऐसा भी गांव था जिसमें सिर्फ राजपूत खानदान के लोग रहते थे, राजपूत लोग रहते थे। वो क्या हुआ कि उस गांव में साधु संतों का बड़ा ही बोलबाला था। साधु संत पूजा पाठ करते थे, जाप करते थे और जो वहां के राजपूत के बच्चे थे वे साधु संतों को परेशान करते थे। वो जब भी जाप करते थे, पूजा पाठ करते थे तो वो उन्हें तंग करते थे, परेशान करने लगे। साधु संत अचानक गुस्से में आ जाते हैं उन बच्चों को देखकर, उन बच्चों की परेशानी को देखकर। वो बच्चे काफी परेशान करते थे साधु संतों को, साधु संत काफी परेशान हो जाते हैं। तब उन बच्चों को सारी राजपूत समाज को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम सब विध्वंस हो जाओगे, तुम्हें अनगिनत तरह की आवाजें सुनाई देगी और तुम्हें आत्माएं, जितने भी साधु संत की आत्माएं हैं, जितने भी आत्मा तुमसे दुखी है वो आत्मा तुम्हें कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगी और तुम्हें परेशान करती रहेगी। ये बात जाकर बच्चे अपने पिता से, अपनी माँ से बताते हैं। वो लोग डर जाते हैं, साधु संत के पास आते हैं। साधु संत तो बोले अब तो मेरे मुंह से जो निकल गया सो निकल गया, अब रास्ता यही है कि इस गांव को छोड़कर आप लोग चले जाइए। सभी राजपूत समाज के लोग उस गांव को छोड़ देते हैं और उसी राजा के इर्द गिर्द एक और गांव था उसी गांव में जाकर रहने लगते हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि राजपूत समाज के लोगों के कानों में आवाज गूंजने लगी भूत प्रेत की, आत्माओं की, और वो उन्हें रात्रि में डराने लगे, धमकाने लगे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहां। ऐसे ही अचानक सभी राजपूत समाज के लोग जिन्हें वो साधु संत श्राप दिए थे, अचानक उनके घर में मौत आने लगी और एक एक करके सभी लोग मरने लगे और वो आत्मा बन जाते थे, भूत बन जाते थे, प्रेत बन जाते थे। राजा को इस बात की सूचना मिलती है और राजा घोड़ा पे सवार होकर अपने सैनिकों के साथ निकल जाते हैं उस गांव की तरफ। वो गांव सुनसान जंगल सा बन गया था, वीरान सा हो गया था, क्योंकि उस गांव में साधु संतों के अलावा कोई भी इंसान, कोई भी परिवार रहता ही नहीं था। जो भी सैनिक थे वो राजा से काफी आगे चले गए और राजा साहब पीछे भटक गए, यानी कि सैनिक से काफी दूर हो गए राजा साहब। राजा साहब के घोड़ा पे सवार थे और वो घोड़ा राजा साहब को जंगल की तरफ लेकर चला गया। जंगल की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति होता है जो काफी लंबा हाइट में होता है और राजा साहब के पास आता है तो राजा साहब डर जाते हैं। वो इंसान नहीं होता है, वो भूत होता है। राजा साहब से कहता है कि राजा साहब मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। तो राजा साहब बोलते हैं तो तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हारे बगल में ही एक जलकूप है, जाओ वहां से पानी पी लो। वो जलकूप साधु संतों का था, वो इंसान जो मरा था वो राजपूत समाज से था और वो आत्मा बन चुका था, प्रेत बन चुका था, भूत बन चुका था। तो बोलता है कि राजा साहब साधु संतों के श्राप की वजह से मैं इस जलकूप से पानी नहीं पी सकता हूं, अगर आपके पास पानी का प्रबंध हो, आपके पास पानी हो तो मुझे पिला दीजिए। राजा साहब उसे पानी पिला देते हैं और वो भूत काफी खुश हो जाता है और राजा साहब से कहता है कि आपको जो मांगना है मुझसे मांग लीजिए। राजा साहब कहते हैं कि मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तो राजा हूं,
ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगूंगा। राजा साहब बोलते हैं कि मेरे राज्य को इतना चमका दो, इतना अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना दो कि ये दर्शनीय प्लेस बन जाए, लोग देखने के लिए मेरे राज दरबार में आए, मेरे राज क्षेत्र में आए। वो भूत प्रेत बोलता है कि ठीक है राजा साहब है, मैं बनवा दूंगा लेकिन मैं डायरेक्ट रूप से आपकी हेल्प नहीं करूंगा। आप मजदूर से काम करवाइएगा और जो काम मजदूर दिन में करके जाएंगे, मान लीजिए वो एक फीट हाइट करके जाते हैं, तो मैं रातों रात उसे बिल्डिंग में तब्दील कर दूंगा। राजा साहब उसकी बात मान लेते हैं लेकिन वो एक शर्त रखता है कि इस बात को किसी से आप मत बताइएगा, ये बात हमारी और आपके बीच में ही रहेगी। राजा साहब बोलते हैं ठीक है, मैं भला इस बात को किसको बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और अगले ही दिन काम चालू हो जाता है, बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगती है, बावड़िया बनने लगती है, बड़े बड़े जलकूप बनने लगते हैं, बड़े बड़े पार्क बनने लगते हैं। दिन में मजदूर काम करके जाते थे और वही मजदूर अगले दिन आते थे तो जो नींव देकर गए थे वो बड़ा सा महल में तब्दील हो गया था। मजदूर आश्चर्य हो जाते हैं, मजदूर भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। राजा साहब को तो सब कुछ पता था लेकिन ये बात मिट्टी की तेल की तरह पूरे राज दरबार में फैल जाता है कि यहाँ पे काम जितना करके जाया जा रहा है उससे ज्यादा अगले दिन अपने आप हो जा रहा है। रानी को भी ये बात पता चल गया था और जलकूप भी बनने लगा, बड़ी बड़ी इमारतें भी बनने लगा। उस राज दरबार का, उस राजा का, उस पूरे राज्य का तकदीर और तस्वीर बदल दिए थे भूत प्रेत और इतने जोर शोर से काम चलने लगा था। एक बावड़ी का निर्माण हो रहा था और रानी बार बार फोर्स कर रही थी राजा साहब से कि मुझे बताइए कि आखिर ये कैसे हो रहा है, जो मजदूर काम करके जा रहे हैं अगले दिन आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो काम ही समाप्त हो गया जबकि बहुत काम बाकी वो छोड़कर गए हुए थे। राजा साहब उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन रानी जिद ठान लेती है कि नहीं बताइएगा तो मैं ये राज दरबार छोड़कर चली जाऊंगी, एक भी अन्न अपने मुंह में नहीं लगाऊंगी। राजा साहब मजबूर हो जाते हैं और ये सारी बात रानी साहिबा को बताने लगते हैं। जैसे ही रानी साहिबा को ये सारी बात बताएं, अगले ही दिन जितना काम हुआ था उतना ही पे ठप हो गया और भूत प्रेत राजा साहब को हेल्प करना बंद कर दिए। आज भी राजस्थान के जोधपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पे वो राज दरबार है और आज भी लोग उस जलकूप को, उस बड़ी बड़ी इमारतों को देखने के लिए आते हैं और आज भी भूत प्रेत का साक्ष्य उस राज दरबार में मौजूद है। लोग, कुछ लोग मानते हैं इस बात को, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बनावटी बातें हैं, लेकिन आज भी उस राज दरबार के जल को आधे अधूरे में पड़े हुए हैं, कुछ पार्क आधे अधूरे में पड़े हुए हैं, कुछ इमारतें आधे अधूरे में पड़े हुए हैं, क्योंकि रानी साहब के बताने के बाद भूत प्रेत नाराज हो जाते हैं और राजा साहब का हेल्प करना बंद कर देते हैं। यही है राजा साहब की एक रजवाड़े की भूत प्रेत की कहानी और राजा साहब को एक भूत इतना हेल्प किया कि वो राज दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगा और रातों रात काफी चमक धमक उस राज दरबार में हो गया। लेकिन एक रानी साहब की जिद की वजह से पूरा राज दरबार बर्बाद हो गया और पूरी चमक धमक तहस नहस हो गई। लेकिन आज भी आधे अधूरे काम उस राज दरबार में मौजूद है, लोग आज भी उसे देखने के लिए जाते हैं। यही है जोधपुर की राजा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही हम आपके लिए मजेदार मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।